हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें बताया था कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और लोकल एट्रैक्शन सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। होता क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल नॉर्थ होता है, सपोज ये हमारा ओरिजिनल हमारा ट्रू नॉर्थ जिसको कहा जाता है, ट्रू साउथ होता है। हमने क्या बताया था कि जब चुंबकीय सुई को, मैग्नेटिक नीडल को जब सस्पेंडेड करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है, या फिर चुंबकीय सुई अपने अक्ष पर स्थिर होती है, तो अगर वह ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ डायरेक्शन में स्थिर होती है तब तो कोई डिक्लाइनेशन नहीं होता है, कोई लोकल एट्रैक्शन अगर नहीं है तो कोई डिक्लाइनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने एक्चुअल नॉर्थ से भटक जाती है, या फिर कहे कि उसमें उसमें कुछ अलग डायरेक्शन शो करने लगती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसमें डिफ्लेक्शन आ जाते हैं, मतलब कि लोकल एट्रैक्शन होने की वजह से मैग्नेटिक नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिक्लाइन कर जाती है। डिक्लाइन करना मतलब ये हमारा ओरिजिनल हमारा नॉर्थ साउथ था, तो इस पोजीशन में स्थिर ना होकर के या तो वेस्ट की तरफ में डिक्लाइन कर जाती है या तो ईस्ट की तरफ में डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है, या तो ये ईस्ट की तरफ में कुछ इस तरह से ये डिक्लाइन कर जाता है। तो जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है ट्रू, जो हमारा नॉर्थ है इसको ट्रू नॉर्थ कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि इसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल एंगल बना इस एंगल को कहा जाता है डिक्लाइनेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इस एंगल को, सपोज हमने थीटा लिखा हुआ है, इसको कहा क्या है डिक्लाइनेशन। अब ये डिक्लाइनेशन जो है दो ही तरह से हो सकता है, या तो ये वेस्ट की तरफ में एंगल बन सकता है या तो ये ईस्ट की तरफ में अपना डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन में है, मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जीरो होता है वहाँ पर, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जीरो है का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक नीडल क्या है, अपने ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोजीशन में स्थिर है, लेकिन वह ओरिजिनल पोजीशन में स्थिर ना होकर के अपने एक्सिस से डिक्लाइन कर जाती है, या तो नॉर्थ के सॉरी या तो वेस्ट की तरफ में या तो ईस्ट की तरफ में, तो उसको कहा जाता है डिक्लाइनेशन। कहाँ हो रहा है, तो ईस्ट की तरफ में या फिर वेस्ट की तरफ में, तो इस हॉरिजॉन्टल एंगल को डिक्लाइनेशन के नाम से जाना जाता है। ये डिक्लाइनेशन होता क्यों है, तो लोकल एट्रैक्शन के वजह से, मतलब लोकल एट्रैक्शन क्या आपने बताया प्रीवियस वीडियो में, आपने बताया था कि चुंबकीय सुई जो है या तो आयरन ओर की उपस्थिति के कारण या स्टील स्ट्रक्चर की उपस्थिति के कारण या फिर कोई मैग्नेटिक इक्विपमेंट की उपस्थिति के कारण उसमें डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है, उसमें विचलन देखने को मिलता है, ठीक है। वो डिफ्लेक्ट होती है अपने ओरिजिनल जो भी उसका पोजिशन है वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस विचलन को जो कहा जाता है वो लोकल एट्रैक्शन कहा जाता था, ठीक है। तो लोकल एट्रैक्शन मतलब कि मैग्नेटिक नीडल के आसपास कुछ ऐसा सबस्टांस उपस्थित है जो कि मैग्नेटिक नीडल को प्रभावित कर रहा है, यानी कि अपने ओरिजिनल पोजीशन में उसको रहने नहीं दे रहा, तो उस स्थिति को आ जाता है लोकल एट्रैक्शन। उससे दूर करने के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर उन दोनों का डिफरेंस 180 आ जाता है तो हम मानते हैं कि हमारा लोकल एट्रैक्शन नहीं है, लोकल एट्रैक्शन से फ्री है, ठीक है। और जो एंगल बना डिक्लाइन होने के बाद जो हमें एंगल मिला उस एंगल को कहा जाता है हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है ये एक समान नहीं रहता है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट ए प्लेस इज नॉट कॉन्स्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये चेंज होते रहता है। चेंज होने का रीजन क्या क्या होता है, तो इसके चार रीजन होते हैं। पहला रीजन है इसका सेकुलर वेरिएशन। सेकुलर वेरिएशन मतलब क्या, तो मैग्नेटिक मेरिडियन, देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, हमने क्या बताया था कि ट्रू नॉर्थ, ये हमारा ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू साउथ, ये ट्रू ईस्ट और वेस्ट है, तो ये हमारा ट्रू नॉर्थ बन गया, और जो ये डिक्लाइन हो गया या तो वेस्ट की तरफ में, सपोज इसमें वेस्ट की तरफ में डिक्लाइन हुआ है, तो ये जो लाइन होता है ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है। इसी के बारे में बात किया जा रहा है। द मैग्नेटिक मेरिडियन बिहेव लाइक ए पेंडुलम विथ रिस्पेक्ट टू द मेरिडियन, आफ्टर एवरी 100 ईयर्स और सो इट स्विंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस द डायरेक्शन वेरीज, दिस वेरिएशन नोन एज द सेकुलर वेरिएशन। मतलब ये कि 100 ईयर प्रत्येक 100 ईयर के अंतराल पर जो डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिलता है वो कहा जाता है सेकुलर वेरिएशन, ठीक है। एनुअल वेरिएशन क्या होता है, कि एनुअल वेरिएशन होता है कि एक साल में जिससे हमको डिक्लाइनेशन देखने को मिले, एक साल में वेरिएशन के कारण, ठीक है। अर्थ का रोटेशन जो है वो चेंज होते रहता है, रोटेशन मतलब रोटेशन का स्पीड चेंज नहीं होगा, उसका ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा, मतलब कि उसके डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, तो ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में, ठीक है, अर्थ के रोटेशन पर डिपेंड करता है हमारा डिक्लाइनेशन कैसे होगा। तो एक साल में जो चेंजेज आती है उसको एनुअल वेरिएशन कहा गया, ठीक है। एक दिन में जो वेरिएशन होता है, एक दिन में 24 घंटे में जो वेरिएशन हुआ उसको ड्यूरिनल वेरिएशन कहा गया, और इरेगुलर वेरिएशन मतलब कि कभी ज़्यादा कभी कम हो गए,
तो इस वेरिएशन को इरेगुलर वेरिएशन कहा जाता है। मतलब ये कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, है ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन ही। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन चार तरह से कैटेगराइज किए जा रहे हैं, मतलब कि जब अगर 100 साल पे जो वेरिएशन फिक्स हैं, 100 साल के एवरी 100 साल पे जो वेरिएशन हमें मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में देखने जानने को मिलता है उसको सेकुलर वेरिएशन कहा गया। जो एक साल में वेरिएशन देखने को मिला उसको एनुअल कहा गया, जो एक दिन में 24 घंटे में देखने को मिला उसे ड्यूरिनल कहा गया। तो देखिए ड्यूरिनल वेरिएशन जो होता है ये 3 से 12 मिनट तक मापा गया है, और जो इरेगुलर वेरिएशन है उसको, ठीक है, इरेगुलर वेरिएशन मतलब कि ये कभी ज़्यादा कभी कम ये होते रहता है वेरिएशन, तो इसलिए कहा गया इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, एनुअल वेरिएशन जो होता है ये 1 से 2 मिनट तक इसको मेजर किया गया। तो ये सभी कुछ वेरिएशन थे जो कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में हमें देखे जाने को मिलते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ पर कि आइसोगोनिक लाइन और एगोनिक लाइन क्या होता है। एक सवाल हमसे ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लाइनेशन। इक्वल डिक्लाइनेशन से जो लाइन पास करेगा उसको कहा जाता है आइसोगोनिक लाइन। ठीक है, मतलब इक्वल डिक्लाइनेशन से जो लाइन पास करता है उसको आइसोगोनिक लाइन कहेंगे, और जो जीरो डिक्लाइनेशन से जो लाइन पास करेगा उसको कहा जाता है एगोनिक लाइन। क्या कहेंगे, एगोनिक लाइन। मतलब जीरो डिक्लाइनेशन का मतलब क्या कि आपका ट्रू नॉर्थ और साउथ में ही पोजीशन रहेगा, यानी कि जीरो डिक्लाइनेशन यहाँ पर आता है ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ पर ही अगर डिक्लाइनेशन होगा, मतलब या तो ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक सभी क्लियर हुए होंगे। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।